बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में ईडी की संजय राउत से पूछताछ जारी है। राउत के खिलाफ 1034 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पात्रा चौल घोटाला मामला। आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा हुआ यह मामला है। संजय राउत पर इस मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को चौल को पुनर्विकसित करने का जिम्मा मिला था। संजय राउत के करीबी माने जाते हैं प्रवीण राउत की कंपनी ने बिना फ्लैट बनाए बिल्डरों को यह जमीन बेच दी। 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की पत्नी को पैसे ट्रांसफर किए। वर्षा राउत को ये पैसे ट्रांसफर किए गए और 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में जमा हुए। जमा हुई रकम से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने फ्लैट खरीदा। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर इस वक्त ईडी की टीम संजय राउत के घर के अंदर मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सुबह 7:20 पर ही ईडी की टीम पहुंच गई थी। दिवाकर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, किस तरीके से आगे कार्रवाई हो सकती है, ईडी के पास क्या विकल्प बचते हैं, आज की जो पूछताछ चल रही है उसके बाद आगे ईडी के पास क्या विकल्प बचते हैं, इसके बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, साफ तौर पर ईडी की पूरी कोशिश होगी कि संजय राउत से तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब उनसे लिए जाएं और यही इसीलिए जो है उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम आज खुद उनके घर पहुंची। 20 जुलाई और 27 जुलाई दो ये डेट है जब ईडी की तरफ से उन्हें समन्स किया गया था, लेकिन संजय राउत हाजिर नहीं हुए थे। अगर आज ईडी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के लिए उनके पास क्या विकल्प बचता है, ये देखना है होगा। मैं आपको नवाब मलिक के केस का अगर आपको उदाहरण दूं तो इसमें भी नवाब मलिक लगातार जो है वो पेश नहीं हो रहे थे। जब उनसे जवाब किए गए, उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया और कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और ऐसे में इस घोटाले में क्या ईडी वही प्रक्रिया अपनाएगी? अगर उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो क्या आगे कार्रवाई ईडी की रहेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के वो इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है और ऐसे में क्योंकि ईडी जब निकलेगी तो क्या वो उनके साथ संजय राउत होंगे, संजय राउत को लेकर ईडी दफ्तर की तरफ जाएगी, ये देखना काफी अहम है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ अभी भी चल रही है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि संजय राउत के साथ लेके जाएगी या फिर संजय राउत को समन्स करेगी ईडी दफ्तर आने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ जारी है और पूछताछ के बीच ये बंदोबस्त आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया है बंदोबस्त। इसीलिए क्योंकि अगर ईडी की टीम निकलती है, शिवसेना के बड़े सारे जो कार्यकर्ता हैं लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो इस माहौल और कानून व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पर, इसलिए बाकायदा इसका ख्याल पुलिस की तरफ से रखा गया है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं संजय राउत के घर के ठीक सामने की, तो यहाँ पर अंदर पूछताछ चल रही है और बाहर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता के समर्थन के लिए इकट्ठा है। संजय राउत भी लगातार ट्वीट के जरिए अपने कार्यकर्ताओं का जो मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, एविडेंस झूठे हैं, जो ईडी की कार्रवाई है वो प्लानिंग के तहत की जा रही है। यानी कुल मिलाकर एक जो ईडी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच और संजय राउत के बीच लगातार ये सिलसिला जो पूछताछ का है वो चल रहा है। संजय राउत जब बाहर आएंगे तो मीडिया से क्या बात करेंगे ये देखना है होगा, क्योंकि मीडिया से जब वो बात करेंगे तो क्या कहते हैं ये भी देखना है होगा। लेकिन फिलहाल ट्वीट के जरिए वो लगातार अपने रिएक्शंस अपने कार्यकर्ताओं तक और मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश है कि वो डरेंगे नहीं, लगातार उस सवालों के जवाब दे रहे हैं और जो कार्रवाई की जा रही है प्लानिंग के तहत की जा रही है और उनके पास खासतौर पर ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए संजय राउत की तरफ से ट्वीट के जरिए एक तरफ उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है, साथ ही अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो समर्थक है वो डटे हुए हैं संजय राउत के घर के बाहर। दिवाकर, अभी जुबानी जंग चल रही है एक तरीके से कहे तो, जो उनके समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो वहां पर हालात है वो अभी कंट्रोल में नजर आ रहा है, अगर आगे ये भीड़ नहीं बढ़ती है तो। देखिए, हालात बिगड़े नहीं इसलिए तो बाकायदा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है,
रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ी यहां पर बुलाई गई है तैनात करने के लिए। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो संजय राउत का जो सामने गेट आपको नजर आ रहा है वहां पर रिजर्व पुलिस फोर्स के तमाम जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। स्पेशल पुलिस के कुछ जवान यहां पर बुलाए गए हैं सिविल ड्रेस में, ताकि ये लोगों को पता चले कि पुलिस के जवान है, उनकी भी तैनाती यहाँ पर है। अंदर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर CRPF के अलावा मुंबई पुलिस के तमाम जवान है वो अंदर कंपाउंड में भी मौजूद है। इसके अलावा ED की जो टीम है वो 8 से 10 ऑफिसर जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो इस वक्त संजय राउत के घर में मौजूद हैं, संजय राउत के साथ पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार, मैं तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार यहाँ पर संख्या अब उनकी बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती संख्या के चलते पुलिस की जो चुनौती है वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर ED की टीम निकलती है और ये कार्यकर्ता आक्रामक होते हैं तो फिर मुश्किलें पुलिस की बढ़ जाएंगी। ये तस्वीरें देखिए आपको मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार जो पुलिस के जवान हैं उनकी इस पूरे रास्ते पर एक तरह से कहें तो गश्त जो है वो लगातार चल रही है, इन जवानों की तैनाती लगातार यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, कानून व्यवस्था खराब होने का चांस होता है तो उससे निपटा जा सके, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक चुनौती होगी यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को संभालने की। तो इसमें फिलहाल स्थिति यही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, दूसरी तरफ ED पूछताछ करे संजय राउत से, संजय राउत के घर के सामने यहाँ पर शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होकर अपने नेता के लिए यहाँ पर समर्थन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इन तमाम हलचल के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये बना हुआ है कि संजय राउत का आज क्या होगा। बड़ी खबर लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं, संजय राउत के घर। आपको बता दें कि सुबह 7:20 पर ED की टीम पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। 8 से 10 अधिकारी बताए जा रहे हैं जो कि उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच संजय राउत की तरफ से ट्वीट करके क्या कुछ कहा गया ये भी आपको दिखाते हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं बाला साहेब ठाकरे की कसम खाकर कहता हूं कि मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। जिस बीच उनसे पूछताछ चल रही है उसी बीच संजय राउत की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को वो खारिज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो झूठे हैं और साथ ही वो अपने समर्थकों को एक मैसेज भी दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही पूछताछ मुझसे चल रही है लेकिन टूटना नहीं है और समर्थक लगातार उनके घर के बाहर मौजूद है। इस खबर पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की, नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं TRP के सभी रिकॉर्ड। जी हां, 29.9% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 दूसरे चैनलों से मीलो आगे है और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है।